नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में जो हम प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या है, रूट के अंदर 0.049 गुणा 0.016 गुणा 0.09 बटे 0.81 गुणे 0.036 गुणे 0.064 को सरल कीजिए। ठीक है, हमें इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, सरल करना है। अब इसमें हमें दशमलव दिख रहे हैं, तो हम काउंट करेंगे कि कितने अंक बाद दशमलव है। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी जो ऊपर हैं वह 8 अंक बाद दशमलव है। नीचे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और नीचे भी 8 अंकों के बाद दशमलव लगाए गए हैं। यानी कुल मिला के ऊपर और नीचे समान नंबर ऑफ दशमलव हैं, इसलिए हम इन सब दशमलवों को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 ऊपर है, 8 नीचे है, तो एक दूसरे से कट जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ नंबर रह जाएंगे। जैसे कि यहाँ से 49 बचेगा, यहाँ से 16 बचेगा, यहाँ से 9 बचेगा, और नीचे 81 हो जाएगा, 36 हो जाएगा और 64 हो जाएगा। अब इसको हम हल कर देंगे। तो कैसे करेंगे, इन सब के गुणनखंड निकालेंगे। 49 के क्या होते हैं, 7 × 7। 16 के क्या होते हैं, 4 × 4। 9 के क्या होते हैं, 3 × 3। अब नीचे आएंगे, 81 के क्या होंगे, 9 × 9। 36 का क्या होगा, 6 × 6। 64 का क्या होगा, 8 × 8। ठीक है, अब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे। जिन जिन के जोड़े बन रहे हैं उन सबको हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ 7 एक बाहर आ जाएगा, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 9, ये 6 और ये 8। ठीक है, जिन जिन के जोड़े बने थे वो सभी बाहर निकल आए। अब यहाँ हम हल कर देंगे। 3 से काटेंगे, 3 × 2 = 6, 4 से काटेंगे, 4 × 2 = 8। ऊपर से क्या बचा, 7, नीचे 9 × 2 = 18, 18 × 2 = 36। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। यानी इस प्रश्न को हल करके हमें आंसर क्या मिला, आंसर मिला 7/36। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।